शॉपिंग करने गई है, तो आज दाऊद भाई है, ये हमारा खाना बनाएंगे। आप लोग इतना जबरदस्त खाना बनाते हैं कि आप लोग इनका खाना ही भूल जाएंगे, मुबशर भाई को भी आप भूल जाएंगे। ये हमारा सुलेख पे हम खाना बनाएंगे। ये बच्चे पता नहीं सारे हंस रहे हैं, ये सारे तो आज अभी शुरू करते हैं खाना। तो आइए आज दाऊद भाई कुकिंग कर रहे हैं। किधर है? बेटा ये मैं तुम्हारे लिए कद्दू बना रही हूँ। बेटा आप कद्दू? बेटा मैं तुम्हारे लिए हमारा बना रही हूँ, समाज के लिए कद्दू बना रही हूँ। और ये बंद करो ना, हमने छोटे टमाटर को बड़ा कर दिया है, इसमें आपने बड़ा को छोटा करना है। और हमने तेल ज्यादा डाले हुए ताकि नहाते रहे इसके अंदर, इस तरह सारे टमाटर नहा रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि टमाटर नहाने की पोजीशन में सारे लगे हुए हैं। हमारी आंच बहुत स्लो है, इसको तेज नहीं करना। आप एहतियात इस बात की करें कि आपकी दाढ़ी ना हो, दाढ़ी से बाल गिरेंगे आपके शादी के अंदर। दाढ़ी को टोपी बने और चमचे का एक हैंडल लकड़ी का भी होना चाहिए, हमारे वाला लकड़ी नहीं है, लकड़ी बाद में लगा लें। अच्छा कद्दू की तरह कद्दू, ये रहा कद्दू, को कलरफुल होना चाहिए। हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है, आप अपने हाथ से भी डाल सकते हैं, चमचे से भी डाल सकते हैं। नहीं चमचे का ये तेल फिर इसके ज़ाया होने का चांसेस भी, हम हाथ के साथ इसमें डाल। कद्दू को पकाते वक्त शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ना है, आखिर में भी। और फिर जब आप खाना शुरू करेंगे उस वक्त आपने फिर कद्दू को बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ के कद्दू खाना है, मेहमानों को भी खाना है। अकेले अकेले कद्दू, जो ज़्यादा कद्दू खाते हैं वो कद्दू तो नहीं होते। पावर डांस करो। अच्छा ज़्यादा कद्दू खाने वाले कद्दू नहीं होते, कद्दू बनाते हैं नहीं, लोगों को नहीं कद्दू बनाते, बस कद्दूओं को ठीक करते हैं। आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, ये एक मिर्च यहाँ पर है, एक मिर्च यहाँ पर है, और किधर के लिए बस वो इधर अंदर ही है। अच्छा जी ये सारा माल का तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, चार पांच बंदों के लिए जो कि खा नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा है। हमने इसमें नमक पहले से डाली हुई थी, आपकी मर्ज़ी आखिर में नमक डालें। और आप एक मिनट ऐसे थोड़ी सी रोशनी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लाइट वाइट। हाँ मैं कह रहा था कि अगर आपकी ट्यूबलाइट काम नहीं करी तो आप कोई और लाइट लगा लें। यम्मी आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हमारे पास बटन नहीं है, तो खैर है कुछ और तरीके करते हैं, क्योंकि यूट्यूब की बजाय ट्यूबलाइट वीडियो बन रही है। तो आपने सीखा आज के कैसे कद्दू पकाते हैं, आइंदा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कद्दू काटते हैं। ठीक है कद्दू के साथ आप सुना कौन सा फ्रूट खाना है? मूली। हाँ कद्दू के साथ मूली बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। कद्दू में आपको विटामिन मिल जाएंगे और मूली में आपको क्या मिलेगा? मूली तो सफ़ेद होती है तो सफ़ेद कैल्शियम मिल जाएगा आपको। अच्छा जी अगर आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तो किसी डॉक्टर के पास जाकर खुद पता कर लें कि कौन सी चीज़ किसके अंदर है, हमें क्या पता है। अंदर खोल कर देख लें, शायद उसकी प्रिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हो तो खुद ही जान लेंगे। आप उसके मैनुअल देखा करें, हर सब्ज़ी की मैनुअल दस्तियाब है मार्केट में, पता नहीं है कि नहीं है, इंग्लैंड में तो होती है। तो ये जो कद्दू ज़्यादा मोटे मोटे कद्दू हैं इनके साथ क्या करेंगे, इनके ऊपर ढक्कन रखेंगे। हाँ एक मिनट मैं ऊपर ढक्कन रखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आप देखें वेलकम टू बैक करेंगे। पहले इसके ऊपर एक मिनट उसको सीधे सीधे बिठा देते हैं। आँच कैसे हल्की करेंगे अभी? ये आँच हल्की करने का क्या तरीका होता है प्रोड्यूसर साहब, कैमरामैन? ये आँच कैसे हल्की करें, नहीं आता आपको तरीका? मुझे भी नहीं आता, अब क्या होगा, आप तो जल जाइए। क्या करूँ हल्की करने का तरीका? अगर नबल की हमारी आँच तो हल्की होती है, इस पर हल्की करेंगे। यस अब ये कैसे लगेगा, मुझे तो इसका तरीका भी नहीं आता। एक मिनट इसको देखते हैं इसके अंदर कुछ है कि वाओ, ये नहीं रिकॉर्ड करना। उस गैस का सिलेंडर इधर है, ये बिजली चलता है गैस से? हाँ ये पाइप तो गया हुआ है कहीं, उधर गया हुआ है, बाहर गैस हो गई। अच्छा मैं
थोड़ा वक्फा करते हैं और इंतजार करेंगे अभी। हमने इसमें एक गिलास पानी डाला जब आप लोग नहीं थे, तो सॉरी आप लोगों को हमने नहीं बताया, हमने उस वक्त डाल दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पानी डाला हुआ है एक गिलास, और इसको 10 मिनट्स के लिए रखते हैं, बाद में बकअप लगाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर जस्ट हमारा से।